सोशल मीडिया सेंसेशनल जेड स्क् एक का नाम है जैनब दूसरा का जेबा आज हमारे बीच में है और इन्होंने हर एक का दिल जीता है और ये जिस तरह से अभी आप देखिए किस तरह की एक्टिविटीज ये कर रहे हैं हमारी जो वायर है ये भी पैरों तले जो है रोंद रही है क्योंकि मीडिया ने इनको काफी ज्यादा तंग किया है ना आपका नाम क्या है जैनब बिनती तालिब।, जैन तालिब आपका जेबा बिंत तालिब जो है ये ज्यादा तंग आ गई है क्योंकि मीडिया की जो ये माइक लोगो है ये पैरों तले इसको भाग रही है जैनब जे, आप मुझे बताओ कि आप अभी बोल रहे थे कि मीडिया ने आपको बहुत तंग किया है कैसे तंग किया है और हमें परेशान करते आप? हैं आपको तो तो आप तो स्टार बन गए आप तो, आप तो मीडिया को आपको परेशान करेगा ही जरूर उनको बोलो हम अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे फिर से डार से रॉक जीरो बन जाएंगे अच्छा। फिर नहीं आएंगे रंग कर नहीं मुझे पता अगर कोई स्टार बनता है ना तो उसके पीछे मीडिया भागती है ना हाँ। तो आप भी स्टार बन गए आपके पीछे भी सारी मीडिया भागती है हाँ।, हाँ। हाँ। उसके लिए क्या कहेंगे आप कुछ नहीं कुछ नहीं कहेंगे क्यूँ मीडिया से रूठे हुए आप इतना ही कह सकते आप उसकी तरफ इतना ही हो सकता है आज के इंटरव्यू इतना, इतना ही नहीं। हो सकता है हाँ। नहीं नहीं क्योंकि थोड़ा सा हमें जरूरी आपसे कुछ सवाल करने हैं यहाँ पर आप बताइए कि मीडिया ने आपको क्यों तंग किया है तो मुझे नींद आ रही है, है? नींद आ रही है नींद क्यों आ रही है आप सोई नहीं हो रात में क्यों अच्छा सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है आपके पापा की मम्मी नहीं ज्यादा प्यार कौन करता है आपको दोनों दोनों आप मुझे बताइए कि आ, पढ़ने में भी आप आ, बहुत अच्छे हो कि आपसे पहले भी किसी का रोल नंबर है रोल नंबर क्या है आपका ट्वांटी एट। ट्वांटी एट। आपका कि आप ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन उससे पहले रोल नंबर वन टू और ट्वेंटी सेवन तक आपकी पोजीशन नहीं आ रही है फिर है आपको पढ़ाई कैसी लगती है अच्छी लगती है आ, फिर आप आ, अभी क्यों बोल रहे थे उधर कि हमारी चैनल uh, दो, दो सौ में से दो सौ में से मार्क्स इतने आए हैं इसको 189 मुझे 199 है. ये पैसे कहाँ से लाए आपने अंकल, अंकल, अंकल ने दिए क्यों क्यूँकी आप स्टार बन गए अच्छा मैं नहीं कहूंगा कि आपको गुस्सा आता है कि उस दिन आपने क्या बोला था आपका वायरल वीडियो हुआ था लेकिन ये जरूर मैं बताऊंगा कि इसके बाद क्या करेंगे आप इस्लामिक वीडियो बनाएंगे इस्लामिक वीडियो बनाएंगे देखिए दूर से कोई आ रहा है दूर तो से तो कोई आ रहा है लेकिन आप मुझे बताइए कि किस तरह के वीडियोस आप बनाएंगे इस्लामिक अच्छा अच्छे अच्छा अच्छे वीडियो बनाएंगे अच्छा अगर आपको बताएंगे कि जो आपको रिपोर्टर्स आए थे कैमरा मैन आप अंदर बोल रहे थे कि आपको बहुत परेशान किया है आप उनके लिए क्या कहेंगे आप कुछ भी कुछ भी नहीं कहेंगे आप तो अंदर बोल रहे थे कि उन्होंने मुझे तंग किया है क्या अंदर रहे थे, नहीं तो बाहर क्या बोलेंगे कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप हमारे पीछे क्यों पड़े इस माइक के आप क्यों काट रहे हो आपसे पक जाऊंगी क्यों क्यों मुझे इंटरव्यू देना इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता है नहीं। आपको नींद क्यों आ रही है मैं रात को नहीं सोई क्यों मीडिया वाले आए थे आपके पास हाँ, हा? हाँ। रात में भी हाँ। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर आ, आपके जो आ, साथी है ना या दोस्त जो है वो आपसे क्या कहते हैं जब से आपका वीडियो जो वायरल हुआ है वो क्या कहते हैं आपको कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कहते हैं क्यों आप मेरी दाढ़ी पकड़ते हो मेरे बाल पकड़ते हो क्यूँ कुछ बात तो करो हमारे नाजरी देख रहे हैं आपको कोई बात नहीं क्यों मैं थक हो ये भी बोल रही है कि थक गई है आप भी बोल रहे हो थक गए तो नाजीन जो आपको देख रहे हैं वो क्या कह, कहेंगे उस आपको? बिल्डिंग से बोल बोलो कि बात करे आ, उस बिल्डिंग को कैसे कहूंगा ये तो नॉन लिविंग है आप तो लिविंग है आप बताइए ना जो वो देख रहे हैं आपको उसकी तरफ आप देखिए देखो ये शहर में है तो लिविंग होंगे अच्छा शहर में लिविंग होते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो असली हैं एक मिनट एक मिनट अच्छा चलो के? मैं बैठाता हूँ आपको आप बैठिए इधर आजा अच्छा बेटा आ जाओ अच्छा इधर रहने वाले रहते हैं टंगमार्ग में इधर आ जाओ तरफ अच्छा

अच्छा ये मुझे बताओ अच्छा चलो चलो ये मुझे बताओ आप आप बिल्कुल सेम टू तो सेम लगते हो आपकी मम्मी पापा को मुश्किल होती है आपको पहचानने में हाँ। क्या बता रही है आप अगर जेबा को बुलाना होगा तो वो जैनब को बुलाते हैं वो दोनों को कभी बुलाते हैं दोनों अच्छा, को कभी जैनब बुलाते हैं अच्छा दोनों को कभी जैनब और को, दोनों को कभी जेबा बुलाते हैं ज्यादा मुझे बताओ आपको मामा अच्छा लगती है कि पापा या ये जैनब अच्छी लगती है

आपको याद है कोई ऐसा नाथ नाथ अभी ये तो पूरा ही नहीं हाउ मैनी फिंगर्स इन टू हैं हाउ मैनी फिंगर्स इन टू टुगेदर आप मुझे कोई नाच सुनाएंगे मुझे पूरा कह रहे आप पूरा बताइए पूरा बताइए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आज हम बुल्लू को गिनती सिखाएंगे आज हम बुल्लू को गिनती सिखाएंगे बुल्लू बोला एक बुल्लू बोला एक हम खाएंगे केक हम खाएंगे केक थोड़ा तुम भी खाओगे थोड़ा हम भी खाओ... खाएंगे थोड़ा तुम भी खाओगे थोड़ा हम भी खाएंगे चलो आ, हमने खा लिया आप आप मुझे मुझे बताइए कि बड़े होके क्या बनेंगे आप कैमरा मैन जल्दी फोकस कैमरा मैन कैमरा मैन बनेंगे आप क्यों फोकस वाला कैमरा अच्छा फोकस वाला कैमरा ये क्या बनेगी जैनब क्या बनेगी इसको नींद आप बताइए आप क्या बनेंगे हाँ हेलो हाँ। सो गई आप नहीं तो इसको बताओ उठने के लिए बार बार तो हम नहीं आएंगे ना इंटरव्यू करने के लिए मैं बताऊंगी इसको इसको क्या बना है? इसको बनना है है डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बनना है तो ये मुझे बताओ कि आप आपको सारे जानते हैं आप जहाँ से भी चलती होंगी तो आपको बताया वो बताते होंगे कि ये वही जैनब जेबा है जो हमने सोशल मीडिया पर देखे है ऐसे बताते हैं लोग कोई अगर मिलता है आपको वो क्या बताते हैं आपको हम गए थे रेलवे स्टेशन अच्छा। वो देखने ये वो ट्रेन देखने हमने जब देखी उसके पहले ही एक लड़का लड़का आया हमारे साथ फोटो उसने बोला ये वही है जो फेसबुक पे अच्छा। वी, वीडियो वीडियो ओ, फिर तो आप सेलिब्रिटी बन गए हैं अब आपको सारे जानते हैं तो यहाँ पर क्या करने आप आए थे प्रोग्राम प्रोग्राम था आपका तो आपको तो इनाम भी मिला गया ये दिया गया और शाल भी आपको दिया गया यहाँ पर हाँ। अच्छा ये ये इसको बताओ उठने के लिए ये क्यों नहीं उठती है कम कुमकर्ण है ये एक खाली सोती रहती है हाँ। हाँ? आप मुझे थोड़ा सा नाच सुनाएंगे ये हाँ? है। चलो इसको सोने देते हैं आप मुझे बताओ आपके खड़ी होगी नाच सुना कोई नहीं सुनाएंगे आप ना चलिए आप अपने मम्मी पा के पापा के पास जाइए हम आ, आ, थोड़ा सा अपने नाजिन से बात करेंगे आपने सुना ये ट्विन सिस्टर्स थी अगरचि ये बड़े गए थे और हमने इनसे दो चार मिनट लिया और यहाँ पर बड़ी खुशी हुई इन बच्चों के साथ बात करने में क्योंकि बड़े खुशकिस्मत हैं इनके माँ बाप और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो उनके माँ बाप है ये भी साथ में है चाहेंगे कि उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे तो मानते नहीं हैं लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि इन ट्विन सिस्टर्स ने आ, लोगों के दिल जीत लिए है क्योंकि इनकी जो तर्ज़ अमल है बोलने बोल चाल जो है इनका बहुत ही अच्छा है और चाहते हैं कि ये आ, जो है कुछ ज़िंदगी में कर पाए और इस तरह के जिस तरह से इन्होंने इशारे दिए हैं कि आ, इनके माँ बाप चाहते हैं कि इनको इस तरह की ज़िंदगी हम मैसर कर कर पाए जो आम तौर से यहाँ पर कश्मीर में जिस तरह से बच्चियों को एजुकेशन दी जाती है एडुकेट किया जाता है उसी तर्ज पर हम भी इनको एजुकेट करें दूसरा ये जान वाणी जेके न्यूज रेस नगर